हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम सब ठीक है। तो देखिए, अभी इतनी सर्दी हो रही है, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह 6 बजे झाड़ू लगा रही हूँ छत पे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, और दिन में जैसे ही ज़्यादा दिन हो जाता है, फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर सर्दी लगती है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ छत पे, और अभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो बहुत कचरा कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, फिर सर्दी ज़्यादा लगती है, तो मैं सुबह सुबह जल्दी निकाल देती हूँ, और सुबह पता भी नहीं चलता है कि इतना काम कब हो गया। तो ये देखिए, झाड़ू भी मेरी लगी गई है, और सर्दी तो हो ही रही है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन सुबह जब काम करते हैं ना, तो इतनी ठंड नहीं लगती है, पसीने आने लग जाते हैं जब तो काम करते हैं जब। तो और यहाँ पे देखिए, ठंडी हवा की वजह से तुलसी जी थी छत पे, तो मैं ये कागज़ का बैग था मेरे पास, तो इसको कवर कर दी तुलसी जी को, कि सर्दी में ख़राब भी नहीं होगी, सर्दी भी नहीं लगेगी, तो अच्छे से कवर कर दी कि सर्दी ओस वगैरह में ख़राब हो जाती है। देखिए कितनी ओस हो रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा। और अब भी 11-12 बजे से हो रही है ठंड थोड़ी, लेकिन कम हो रही है, तो हल्की हल्की धूप निकल गई। तो मैं छत पे बैठ के और ये मौसमी वगैरह खा रही थी, और बाल भी सुखा रही थी। इधर पालक भी साफ़ करूँगी, यहीं पे ले आई थी मैं छत पे ही। और बच्चे है ना जो मान नहीं रहे थे, मेरे बाल बना रहा है छोटा वाला बाबू। और इधर सैलेड कट कर रही हूँ अब मैं छत पे बैठ के। तो जो छत पे बना रही थी मैं खाना, तो यहीं पे सैलेड कट कर रही थी, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी राजमा चावल, तो आलू प्याज टमाटर बनाऊंगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो बच्चों को ना थोड़ा अच्छे से ही पसंद आते हैं बनी हुई सब्जी, ढंग से बनी हुई। तो राजमा उबाल ली मैं, और इधर चावल भी हो के रख दी, और इधर राजमा की सब्जी बनने के लिए तैयार है। तो आज छत पे ही बना रहे हैं खाना, तो इंडक्शन वाला जो चूल्हा होता है उससे भी बना रही हूँ मैं, यहीं पे प्लग में लगा के, लाइट आ रही थी ऊपर भी। तो सब्जी बन रही है राजमे की, चावल और राजमा खाना था बच्चों को आज। और धूप बहुत कम है, बहुत ही कम धूप निकल रही है, इतनी धूप ही नहीं हो रही अभी, और सर्दी भी नीचे ज़्यादा लगती है, तो छत पे ही रहते हैं वैसे तो। बाहर छत पे तो खुले में फिर भी हवा लगती है, लेकिन अंदर कमरे में बना रहे थे हम खाना, यहीं पर खाएँगे। देखिए मसाला वगैरह पक गया है, अच्छे से ग्रेवी बन गई है, तो राजमा डाल के अच्छे से इसको थोड़ी देर पका लूँगी। वो तो बॉईल करे हुए राजमा डाल दी मैं ग्रेवी के अंदर, और थोड़े से पतले रखे हैं। देखो ये हमारा बरेली का मंजा। ये देखिए, बीच में बच्चों की मस्ती भी चलती रहती है यहाँ पे, क्योंकि पतंग उड़ाने में पागल हो रहे हैं अभी बच्चे। बहुत शौक है बच्चों को पतंग उड़ाने का, तो बहुत उड़ाते हैं यहीं पे छत पे, यहीं पे खाना खाएंगे। और यहाँ पे चावल भी मैं बॉईल करी थी मटर डाल के, तो चावल और राजमा की सब्जी। और ये देखिए, जैसे ठंडी होगी ना तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, मैं वैसे पतली रखी हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, काफ़ी सारे मसाले डाल के बनाए थे। तो और साथ में सैलेड है, तो प्याज हरी मिर्च और हरी मिर्च तो चाहिए चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। तो गर्मा गर्म सर्दियों में राजमा चावल बन के तैयार है, बच्चे भी खाएंगे अब खाना। तो यहाँ पे बैठ के मैं खिला रही हूँ इनको, ये देखिए बन गया फटाफट से खाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो आ जाइए आप सभी, राजमा चावल खा लीजिए। और दिन में हम कहीं जाके आए खाना वाना खा के, और फिर मैं रूम की सफाई करी, तो छत वाले रूम की अच्छे से सफाई करी थी। और अब ये देखिए सिखा रहा है कैसे तंग डालते हैं पतंग में, क्रॉस में छेद करो, और देखिए कितना मतलब नहा धो के कितना गंदा हो जाता है ये, यहाँ पे छेद करना है। और मैं यहीं पे चाय पी थी, ये देखिए, और फिर सद्दा लेके ऐसे दोनों के मुँह को बांध लेना, और ऊपर वाले में से निकाल लेना। यहाँ पे देखो गांठ कैसे बांधते हैं, सेंटर में रख के। ओके, और देखिए गाइस इतने पतंग उड़ते रहते हैं, शाम हो जाती है जब भी। अभी नहीं उड़ रहे,
और मैं यहीं पे बैठ के लोशन लगा रही थी पैरों पे इन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से पैरों में ऐसे बिल्कुल ही हो जाते हैं, तो ड्राई से हो जाते हैं। तो मैं अब सॉक्स पहनूंगी तो, और अब मैं थोड़े मसाले वगैरह डालूंगी। रसोई में आ गई थी थोड़ा सा सामान, छोटी सी डिब्बी है तो उसके अंदर मैं काला नमक और जीरा सेक के जीरा डाल दी इसमें, तो मिक्स कर देती हूँ। और इसमें है पुदीना, तो रायता बनाने के लिए इसमें थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दूँगी। तो ये देखिए इसको मिक्स करूँगी और फिर ढक्कन लगा दूँगी। तो ये देखिए जीरा काला नमक और ये सब कुछ मिला के और इसके मैं ढक्कन लगा दूँगी। तो ये तैयार है रायते के लिए, फिर मिक्स पुदीना है। बस ये वाली है मेरे पास, तो इसमें ऊपर काला नमक रख देती हूँ मैं। और अभी शाम को मैं पालक का सूप बना रही हूँ, तो पालक और टमाटर मैं बॉईल करी थी, उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ और इसको बिल्कुल बारीक मेन पीस लूँगी। और ये वाली जो केटल है ना, मैं चढ़ा के देख रही थी तो इस पर चलेगी नहीं चलेगी, तो मैं दे पानी डाल के देख रही थी कि थोड़ा वेट हो जाता है ना तो चल जाती है। तो देखिए ये फिर आराम से इस पर हो रहा था काम। तो यहाँ पे घी गरम करके और उसमें तड़का लगा रही थी मैं सूप में, जो पालक का सूप काफ़ी अच्छा लगता है सर्दियों में। तो चाय की इच्छा नहीं थी तो आज सूप ही बना लिए सबके लिए, बच्चों को भी पसंद है। तो थोड़ा सी जीरा लहसुन का तड़का लगा कर काफ़ी सारी काली मिर्च डाल दी मैं, तो बॉईल होता रहेगा धीरे धीरे सूप। और इधर देखिए सफाई करी थी मैं कमरे की, तो काना गद्दा लगा रहा है क्योंकि काना कह रहा है कि मैं यहीं पर पढ़ाई करूँगा और यहीं पर ऊपर वाले रूम में ही आराम से रहूँगा दिन में। तो मैं कह रही हूँ ठीक है, इसको साफ़ कर दी मैं रूम को अच्छे से, तो देखते हैं वो बच्चों का मन होता है, लेकिन अकेले नहीं देखते। ये देखिए सूप बन गया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लहसुन और इसकी और इसका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बता दूँ आपको कि मैं पीती हूँ इसको गिलास में डाल के, वाह बहुत टेस्टी लगता है ये। और कानों को पसंद है तो कानों भी पी रहा है और मैं भी पी रही हूँ यहीं पे। और आज हमारा रूम भी एकदम क्लीन हो गया है बढ़िया सी, मैं साफ कर दी थी तो अच्छे से साफ सुथरा अच्छा लगता है। मैं यहीं पे बैठ के सूप पी रही हूँ और यहाँ पे देखिए नीचे आरती का टाइम हो गया, तो कानों यहीं पे था तो हमारी आरती अच्छे से हो गई है। अभी गेट बंद कर रहे हैं शाम के, तो यहाँ पे बच्चे मिठाई खाएंगे और मैं खाना बना दी तो खाना भी खाएंगे। तो आप ये छत पे खाएंगे खाना, क्योंकि खाना मैं चूल्हे पे बनाई थी। तो ये देखिए मक्के की रोटी है और सब्जी है, तो अभी चूल्हे पे बनाए थे मक्के की रोटी, तो घी डाल के और अच्छे से गरम गरम अच्छी लगती है और हरी सब्जी के साथ और भी अच्छी लगती है। और रात को 8 बज गए थे हमारे को यहीं पे, और मैं रायता नहीं देती हूँ रात को बिल्कुल भी बच्चों को, लेकिन दिन का बचा हुआ था थोड़ा सी रायता तो ये मान नहीं रहे थे ले रहे थे। ये सब्जी पकड़ो भाई, पकड़ना गिरा दे। और हमारे को ऐसी रोटी पसंद आती है चूल्हे की बनी हुई, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी बनाइए और खाइए। सभी को जय माता दी, फिर मिलते हैं आपसे।